कुछ नहीं, सब नौटंकी नहीं चलेगा, हाँ बस यही चलेगा। नरेंद्र मोदी भगवान है, वो क्या अमित शाह क्या, सब बाबू डरेंगे। यहाँ बनेगा कांग्रेस महागठबंधन की सरकार, कमल कमल बस और कुछ ना चलेगा। कि जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो आने वाला जो है ना वक्त ही बताएगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। नहीं, क्या लगता है इस बार क्या होगा? तेजस्वी यादव जीतेंगे। तेजस्वी यादव, मोदी जी पहले ही बोले कि हमको 56 इंच के सीना है, उसको कोई ढरा सकता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। आज हम एक बार फिर से जनता के बीच में आ गए हैं और हमारा मुद्दा जो होगा ये होगा कि प्रधानमंत्री जो हैं तीसरी बार 16 तारीख को जो है बिहार आ रहे हैं। आज देश के गृह मंत्री बिहार के गया में आए हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव का इस पे लगातार कहना है कि मोदी जी और अमित शाह जो है वो बिहार के लोगों से डरे हुए हैं, नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं वो। इसी सवाल के साथ आज हम जनता के बीच आए हैं, जनता की राय को जानेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार वालों से डर गए हैं कि इसलिए बार बार आ रहे हैं। चलिए सबसे पहला सवाल करते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी वाले डर गए हैं, 365 दिन आएंगे तो नहीं जीतेंगे इस बार। ये कौन बोल दिया? बोलने से कैसे हो जाएगा? बोलने से कैसे हो जाएगा कि नहीं जीतेंगे? ये जब गिनती होगी उस दिन देखी जाएगी ना कि तेजस्वी यादव जी यार महागठबंधन आ रहा है कि कौन आ रहा है, राजद गठबंधन महागठबंधन इंडिया का आ रहा है कि लोकतंत्र का जो ओरिजिनल अखबार है वो आ रहा है, वो गिनती के दिन देखा जाएगा। अभी कैसे आपको हम बोल दें? तेजस्वी यादव जी बोले कि तेज प्रताप जी बोले, कोई बोले, जिस दिन गिनती होगा उसके अगले दिन आप आके कौन यहाँ पे बात करिएगा। चाचा आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र कुमार। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव बोले हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं, डर गया है लोग, क्या लगता है आपको? बताएंगे क्या लगता है, डरा हुआ है तब ना आ रहा है? डर गया, एकदम डरा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, कहा गया है कि 365 दिन आएंगे तो इस बार नहीं जीतेंगे, आपको क्या लगता है जीतेंगे कि नहीं? कौन जीतेंगे? बीजेपी। बीजेपी जीतवे करेगी, जीतेगी, एकदम जीतेगी, जो बढ़िया काम करेगा वो जीतवे करेगा। मतलब बढ़िया काम बीजेपी कर रही है? कर ही रही है। आप बताइएगा, तेजस्वी यादव का कहना है कि मोदी जी और अमित शाह जो है वो डर गए हैं इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, मोदी जी जो बिहार से भी इस बार लाएंगे सीट, बिहार से लाएंगे, आएगा उनका सीट। क्या लगता है कितना लाएंगे? वो तो अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन आएगा सीट उनका, आएगा। आप बताइएगा चाचा, तेजस्वी यादव का कहना है कि मोदी जी और अमित शाह डर गए हैं बिहार वालों से इसीलिए बार बार आ रहे हैं। कौन? मोदी जी? जी मोदी जी पहले ही बोले कि हमको 56 इंच के सीना है, उसको कोई डरा सकता है? कोई नहीं डरा सकता, अपने 56 इंच के सीना रखे हुए, उनको कौन डराएगा? तेजस्वी कह रहे हैं कि 365 दिन आएंगे तो नहीं जीतेंगे। अरे उनको बकवास करते हैं, बकवास करते हैं। और क्या करते हैं? अच्छा, मोदी जी अभी बहुत काम कर रहे हैं, मेट्रो उनके राज में चालू हो रहा है, क्या क्या बहुत चीज़ चालू करेंगे वो। अभी उनका सरकार जैसे चाइना में चीन में एगो सरकार राज कर रहा है ना, वैसे ही भारत में भी मोदी सरकार राज करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राज करते रहेंगे। क्या बात करें, मतलब जिंदा रहेंगे तब तक, जब तक राज करेंगे मोदी का। आप कह दिए मोदी का, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मोदी राज करते रहेंगे। जैसे चाइना में चीन में एक एगो है ना राज कर रहा है ना प्रधानमंत्री, वैसे ही भारत में भी जब तक जिंदा रहेंगे मोदी रहेंगे। लगता है पूरा समर्थक है उनके, कट्टर समर्थक। कट्टर हमारे तक उनका वोटो नहीं दिए हम कब, क्या आदमी है, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, हम तो अभी आज तक उनका एगो वोटो नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं, झूठ काहे बोले, तब भी समर्थन देते हैं। एक बात बताइएगा अंकल, कि तेजस्वी यादव का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो बिहार आ रहे हैं ये लोग डर गया है बिहार वालों से कि इस बार जो है बिहार वाले इन्हें नहीं जिताएंगे इसीलिए बार बार आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, राजनीतिक में हम लोग नहीं है कि अपना कमाना है अपना खाना है, राजनीतिक वोट तो देते होंगे ना। वोट देते हैं, जो मर्जी होगा जिसको देंगे, फिर भी एक राय तो रख सकते हैं? नहीं, राय किसी को नहीं दे सकते हैं, अपना राय अपने पास रहेगा।
मोदी जी और अमित शाह ना बिहार वालों से डर गए हैं, इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। 365 दिन आएंगे तो नहीं जीते। क्रांतिकारी का धरती है ये, नरेंद्र मोदी भगवान है, वो क्या अमित शाह क्या, सब बाबू डरेंगे। यहाँ बनेगा कांग्रेस महागठबंधन की सरकार। तेजस्वी यादव बोले हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो बिहार वालों से डर गए, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है? अच्छा, कहने का मतलब है कि कौन किससे डरा है, तो चुनाव जब का नतीजा आएगा तब न पता चलेगा जी हाँ कौन किससे डरा है, नहीं डरा है कि नहीं। क्योंकि हमारे कहने से और उनके कहने से थोड़ी ना हो जाता है कि हाँ, मतलब जैसे तेजस्वी यादव जो है सो बोल दिए कि हाँ डर गए हैं तो ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, है कि नहीं। जिनका 56 इंच का सीना है कहा जाता है। ये जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि 365 दिन आएंगे तो नहीं जीतेंगे इस बार, क्या लगता है आपको? देखिए, जो हारने वाला पर्सन होता है वो वैसा ही बोलता है, और जब क्रिकेट मैदान में हम बैटिंग करते हैं तो हम सिक्सर मारेंगे कि बोल्ड मारेंगे इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो आने वाला जो है ना वक्त ही बताएगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। हमारा तो विश्वास कह रहा है कि 110% फिर इन्हीं का सरकार बनेगा और बीजेपी इस बार और बेहतर नतीजे लेकर आएगी, हमारा विश्वास कर रहा है। अच्छा। जी, हमारा विश्वास कह रहा है कि फिर से सरकार बनेगी इन्हीं का। एक बात बताइए चाचा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। अरविंद सिंह। बात बताइए, तेजस्वी यादव का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो बिहार के लोगों से डर गए हैं, इसलिए बार बार बिहार आ रहे। अरे नहीं है, अब की जाओ 400 पार, इस बार 400 पार। नहीं डरे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। उधर तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि जाए उससे मतलब नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, बस मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। आप अपना नाम बताइए। विनय कुमार चौधरी। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव का कहना है कि अमित शाह बार बार और मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार के लोगों से डर गए हैं, वो नहीं जीत पाएंगे। क्या बिहार भारत से अलग है? बिहार भारत से अलग है? तो तेजस्वी का कहना कुछ है, उसका जवाब दीजिए आप। बिहार भारत से अलग है? तो जब बिहार भारत में बिहार है तो भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएगा बिहार? क्या इसमें तुख है बात करने का? भारत का गृह मंत्री क्यों नहीं आएगा बिहार? क्या तुख है बात करने का? कुछ नहीं, सब नौटंकी नहीं चलेगा, हाँ बस यही चलेगा, कमल बस और कुछ नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, डर गए हैं बिहार के लोगों से। नरेंद्र मोदी आते अमित शाह डर गए हैं, आज गया है तेजस्वी डर गए हैं। तेजस्वी डर गए? हाँ, तब की तेजस्वी का कहना है कि बिहार 365 दिन आएंगे तो नहीं जीतेंगे। वो आना उनका आना काम है, इतना आदमी आता है कि नहीं आता बिहार में? अच्छा। बिहार में आने से कोई किसी को रोकता थोड़ी दूर है, वो डर गए हैं। हाँ, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला? तो हम लोग तो बीजेपी है, बीजेपी जीतेगा फिर। हाँ, भी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं, डर गए हैं बिहार के लोगों से। क्यों डरेंगे? क्या क्या गलती किए कि डरेंगे? कहाँ कोई गलती किए कि डरेंगे? कोई गलती नहीं किए। तेजस्वी यादव कह रहे 365 दिन आएंगे तो नहीं जीतेंगे। काहे नहीं जीतेंगे? 400 पार है इस बार, 400 पार एकदम पार हो जाएंगे। पूरा लहर है, पूरा लहर है। कह रहे हैं कि बिहार आए लेकिन रोजगार पे बात करें, तेजस्वी यादव का लगातार ये बात कहना है। सरकार आएगा तो रोजगार नहीं देगा, रोजगार खुद से किया जाता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 365 दिन बिहार आएंगे तो नहीं जीतेंगे। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग बिहार राज पथ परिवहन में हम लोग गाड़ी पकड़ने के लिए आए हैं, सीधा नल जल का व्यवस्था किया जाए सर, पानी के लिए पूरा हमारे जितना भी पैसेंजर है पानी के लिए बहुत कष्ट काट रहे हैं। बिहार राजपथ परिवहन से हम बोल रहे हैं, और कहना यही है कि तेजस्वी और कोई नरेंद्र मोदी या कोई जीताराम मांझी या कोई नीतीश कुमार से हम लोगों का मतलब नहीं है। BSRTC में पानी का व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाए। एक बात बताइए, वोट तो किसी न किसी को देते ही होंगे, इस बार किसकी लहर लग रही है? वोट तो जरूर किसी को, एक मेरा वोट है और किसी को, जिसको मेरा इच्छा करेगा उसी को वोट देंगे, जो हमारे पर हमारे पूरा देशवासियों पर जो अच्छा से देखेंगे उसी को एक वोट मतदान करेंगे। अभी तो दिल में है लेकिन वोट कब कहाँ जाएगा कोई ये बोल नहीं सकते हैं।
आप बताइए, तेजस्वी यादव का कहना है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी डर गए हैं बिहार वालों से, इसलिए बार बार आ रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है? नहीं। क्या लगता है इस बार क्या होगा? तेजस्वी यादव जीतेंगे। तेजस्वी यादव? तो तेजस्वी यादव के बयान से आप सहमत करेंगे तभी ना? हाँ। इसका मतलब वो लोग डर गया है बीजेपी? नहीं, बीजेपी वाला डर गए हैं। डर गए हैं? वो लोग डरा हुआ है इसलिए बार बार आ रहा है। हाँ, बार है और डरा हुआ इसलिए बार बार। आप बताइएगा क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है डर गए हैं, 365 दिन बिहार आएंगे तो नहीं जीतेंगे। नेता हैं तो कहेंगे नहीं। नेता हैं इसलिए? हाँ। आपको क्या लगता है इस बयान? बीजेपी आएगी फिर से सरकार में? फिर से बीजेपी आएगी? हाँ आएगी। क्या लगता है तेजस्वी के बयान पे, क्या लगता है आपको कि बीजेपी वाले डर गए? तेजस्वी निकलेगा। तो बताइए ना कि बीजेपी वाले डरे हैं क्या तेजस्वी? डरने का क्या बात है? डरने डरने वाला नहीं है। नहीं है बात। आप बताइएगा। हमको बहुत चीज दे रहे हैं, उन्हीं को हम वोट दे रहे हैं। बयान सुन लीजिए, तेजस्वी यादव बोले हैं कि ये लोग डर गया है बीजेपी वाला, इसीलिए बार बार आ रहा है। हाँ, तो हम मोदी जी के आदमी खास है, एकदम खास आदमी है, हम खा वोट देते हैं। हम खुलेआम वोट देंगे, एकदम रिजर्व में हम रहते हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी का हम रिजर्व सीट में रहते हैं। वो हाँ, वो आदमी एकदम नमकीन आदमी है, बिहार के चमका दिए हैं। अच्छा सुनिए, तेजस्वी जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? ना, हम मोदी जी कहते हैं कि जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद। हाँ, तो आपने बिहार के लोगों को सुना, उनके राय को जाना कि तेजस्वी यादव के दावों में कितनी सच्चाई है, क्या इस बार बीजेपी बिहार में जीतेगी या नहीं, जनता ने सब कुछ बताया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।